निचान पोस्ट नारी खेतान जिला बलुआ निचान थाना बसवार दरमियान प्लान खरीफ अभियान प्रोप्राइटर श्री कमलापत त्रिपाठी हमारे पिताजी का पुस्तक में कि मोबाइल बा निमन मोबाइल बा बाउर इहो एगो तो जितना दोषी गायक है लेखक है उससे कम दोषी हम नहीं है जो कथा सुन के सड़क मिले तो नरके केहू जाए ना नीच कुकर्मी मर जीत मार्केट में आप देखेंगे तो जैसे अपने यहाँ नंग धड़ंग पहनावा है बिल्कुल वहां। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप केपीपी न्यूज देख रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं जो किसी परिचय किसी हस्ताक्षर के मोहताज नहीं है। भोजपुरी भाषा में अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने माटी की सुगंध को बिखेरने का काम कर रहे हैं। मां सरस्वती की कृपा ऐसी हुई कि लोगों ने इनकी कविता को इतना पसंद किया कि बादशाहत मिलने लगी और जनता के प्रेम ने इन्हें प्रेमी बना दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बादशाह प्रेमी जी का। हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विष्णुपति त्रिपाठी से बादशाह प्रेमी तक के बीच की यात्रा कैसी आपको करनी पड़ी? देखिए, वो पूरी यात्रा तो अब कैसे कितनी संघर्षशील रही है तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यतः तो हम लोग दो भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु। हमारे बड़े भैया का नाम है ब्रह्मापति त्रिपाठी, हमारा विष्णु त्रिपाठी। लेकिन बचपन से मेरे स्वभाव को देख करके अब लोग गांव में और अगल बगल भी कहने लगे बादशाह बादशाह, कहने लगे तो बादशाह हो गए। कविता की दुनिया में आए तो मेरे स्वभाव बस ही नाम प्रेमी भी जुड़ गया तो बादशाह प्रेमी होकर रह गया और बाकी विष्णुदत्त तिवारी तो एक तौर से भूल ही गया लोगों को। क्योंकि लोगों के माइंड में हमेशा आता रहता कि बादशाह प्रेमी, क्योंकि ये नाम का टाइटल ही थोड़ा सा लोगों को, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ, हमको तो काफी समय तक तकलीफ दिया ये। हाँ। अब जो है कुछ चैनलों के माध्यम से कुछ लोगों ने इंटरव्यू किया और हमको लग रहा है कि दो चार छह महीने से लोग हमको जान पाए कि मेरा नाम विष्णुदत्त तिवारी भी। हमारे गांव में भी हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो हमको विष्णुदत्त तिवारी के नाम से नहीं जानते आज भी, आज के डेट में भी। हालांकि कागजी जो भी कागजात हमारे हैं, जो भी कुछ है, सब विष्णुदत्त तिवारी के नाम से। क्योंकि कविता हास्य के बहुत सारे कवियों को मैंने देखा है, भोजपुरी ही क्यों पसंद आपको आई? क्योंकि भोजपुरी दो बातों से, एक तो हमारी मातृभाषा है और दूसरी बात यह कि भोजपुरी में हमने शुरू से ही देखा जितना अश्लीलता पुरोष के कुछ तथाकथित गायक और तथाकथित लेखक इन लोगों के माध्यम से भोजपुरी रसातल में जो जा रही थी, हमने एक प्रतिज्ञा लिया कि इसको ऐसे ढर्रे पर ऐसे पैटर्न पर हम ले चलें ताकि लोगों को ये भी पसंद आए और कविताएं वैसी हों जहाँ एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुने। आजकल गाने देखिए भोजपुरी में अक्सर आ रहे हैं, कोई फिल्म देखना पसंद नहीं करता है, भोजपुरी का गाना नहीं सुनना पसंद करता है। ऐसे में हम एक भोजपुरी को नया आयाम हमने दिया और भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया है हमने। भोजपुरी में आपको बता दूं, शायद ये किसी चैनल से मैंने नहीं कहा है, लेकिन एक महाकाव्य हमने लिखा है, संकट मोचन महाकाव्य। माई और महासमुद्र नामक दो खंड काव्य हमने लिखे हैं भोजपुरी में। सैकड़ों गीत हमने लिखे हैं भोजपुरी में, जिसको मुझे लग रहा है कि 200 गायकों ने गाया भी है, हमारे गीत गाया है। और बाकी तो कविताओं में तो पूछना नहीं, कई हजार कविताएं मुझे लग रहा है कि मेरे जहन में हजार से अधिक तो कविताएं हमारे दिमाग में से फिट है भोजपुरी की। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ से बाहर जाते हैं और भोजपुरी की मिठास को लोगों में मतलब कहते हैं कविता के माध्यम से, तो कैसा आपको लगता है कि वहाँ पर और यहाँ में दोनों में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? देखिए, एक बात तो ये कि मैं बड़े खुले विचार का आदमी और सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, जहाँ अपनी मातृभाषा भी हमने कहा कि हमारी भोजपुरी है और पूर्वांचल में विशेष तौर से भोजपुरी बोली जाती है, आपको सुन के आश्चर्य होगा। मैं पिछली बार गया था रंगून एक कार्यक्रम में, एक ही कार्यक्रम के लिए हालांकि हम गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद लोग सुने हमको तो चार कार्यक्रम निपटा के आए हम वहां से। अच्छा। और हमको इतनी खुशी हुई और इतना जान के आश्चर्य भी हुआ कि वहां के लोग जितना हम भोजपुरी बोले, जो भी हमसे मिला, अरे बाबा पाव लतनी, अरे बाबा गोल लतनी, ऐसे कहते थे लोग। महिलाएं यहाँ से ऊपर कहीं घूंघट नहीं रखती थी, कहीं भी मार्केट में आप देखेंगे तो जैसे अपने यहाँ नंग धड़ंग पहनावा है बिल्कुल वहां नहीं, हमारा एकदम बिल्कुल भोजपुरिया जो परिवेश है वो परिवेश आज भी वहाँ है म्यांमार में। वहाँ के लोग अभी भी हमारे पास, बहुत लोग फेसबुक पेज से भी जुड़े हैं, बहुत लोगों का फोन अभी भी आता है और जो कार्यक्रम हम करके आए उसकी याद आज भी ताजी है वहाँ की। तख्ता पलट नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि इस बार दूसरी तीसरी बार हम चले गए होते वहाँ।
चूंकि भोजपुरी में अगर जो गानों की बात अगर करें तो दो अर्थी गानों को लेकर के अश्लीलता पर ज्यादा लोगों का जोर रहता है, इस पर आपका क्या कहना है? दो अर्थी वर्थी कुछ है नहीं, ये सब जितने अभी बताए तथा कथित जिनको न आरोह अवरोह की जानकारी नहीं है। हमने एक लिखा है, मुक्तक लिखा है कि बेसुरे सभी गीत गाने लगे हैं, बेसुरे सभी गीत गाने लगे हैं, बेताली भी ताली बजाने लगे हैं, कोरोना ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि पप्पू पकौड़े बनाने लगे हैं। तो कुछ ऐसे हो गए हैं तो जो जिनको अभी यह नहीं पता है कि कैसे कविता लिखी जाती है, गीत कैसे लिखी जाती है, उसमें कैसे क्या होना चाहिए, वो जो है ये दो अर्थी का केवल नाम दे करके अश्लीलता परोस रहे हैं। दो अर्थी का मतलब क्या है आप बताइए कि जो कक्षा चार पाँच छः में लड़का पढ़ रहा होगा वो गीत सुनेगा तो उसका क्या अर्थ लगा पाएगा बताइए? कोई होशियार अगर समाज में पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति अगर है और उससे कहा, उससे भी कहा जाए कि इसका यह भी अर्थ हो सकता है। लेकिन जब उन्हीं गायकों से उस गाने का अर्थ पूछा जाता है तो वो उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं जबकि गाते कुछ और हैं। जानकारी तो खुदे उन सबों को नहीं है, उनको उसको खुदे नहीं जानकारी, जो लिख रहा है उसको भी नहीं जानकारी है कि हम क्या लिख रहे हैं, जो गा रहा है उसको भी नहीं जानकारी है। वो भोजपुरी को केवल और केवल अपना वो अर्थोपार्जन के लिए, मतलब ये कहिए बड़े बड़े इसमें बिकने के लिए, जल्दी हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सब। जैसे अगर हम आपसे एक बात करें कि समाज की जो कुछ ऐसी अनचाही चीजें हैं जिन्हें आपसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात अगर आए तो कैसे उसे प्रस्तुत किया जाएगा? देखिए हम तो केवल कविता की ही भाषा बोलते हैं, बाकी कुछ हम जानते हैं, कविता आपको हम सुना दें और हम जो यथार्थ होता है उसको कहने में कोई हिचक नहीं करते हैं। हमने एक कविता लिखी कि बावन ठाकुर ना खेत तब महंगा मांस बिकाए इतना, चिमनी हट जाता तब इतना लोग पी के ढिमला इतना, कथा सुन के सड़क मिले तो नरके केहू जाए इतना, नीच कुकर्मी मर जीते तो कतल बवाल सुना इतना, कुचुरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भवा इतना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खा इतना, सोखा ओझा मर जाते तो बरम भूत पूजा इतना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणती गा इतना। तो जितना दोषी गायक है लेखक है उससे कम दोषी हम नहीं है जो हम सुनते हैं उन सबों के गानों को। अच्छा ये बताइए जैसे मोबाइल को लेकर के अगर बात करूं तो आज की डेट में मोबाइल लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं आज के डेट में गार्जियन भी अपनी अपने आप को छुटकारा पाने के लिए अब अगर भोजपुरी में कहें तो माई बाबू लड़कियों के खिलौने ज़्यादा मोबाइल पर ध्यान देता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। हमने लिखा था एक मुक्तक में कि मोबाइल बा निमन मोबाइल बा बाउर, इहो एगो लम्हर मिसाइल बा बाउर, मोबाइल से आदत बिगड़ने के डर बा, भाई फोटो फिल्म वाला झंझट के घर बा। तो आज जो बच्चों को हम दे करके और मोबाइल ही कर उसका रेडिएशन कैसे क्या दुष्परिणाम देगा आने वाले 10 सालों में पता चल जाएगा सबको। अब चूंकि हमारे सामने ही टीवी आया, हमारे सामने मोबाइल आया है, हम लोग सामने तो ये टीवी नहीं था, हमारे गाँव में पहली बार टीवी जब आया, रामायण शुरू होने लगा तो 500-500 लोग आते थे दूसरे दूसरे गाँव से आके देखते थे वहाँ आके टीवी। तो हमारे सामने ये सारा कुछ जितना भी सिस्टम आया है हमारे सामने आया है और इसका दुष्परिणाम भी मेरे सामने ही दिखने लगा है। छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, 10 साल 15 साल के 12 साल के बच्चे हैं, उन सबको चश्मा भी लग रहा है, ये मोबाइल की ही देने समझिए, कहा कि रोशनी जाएगी, दिमाग से कमजोर हो जाएगा आदमी, तमाम तरह की बातें होंगी। सोशल मीडिया पर एक कविता हम आपकी देखे थे, चूंकि अक्सर आप मंचों से भी कहते हैं और ये हम लोगों को देखने को भी मिला है कि आप जो यथार्थ होता है जो आपके साथ घटित होती है वही आप घटनाओं को आप कविता के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं, तो एक बार साइकिल को लेकर के आपने कोई ऐसी कविता बताई थी, क्या जरा हम अपने दर्शकों को बताना चाहिए? ये कविता जो है मुझे लग रहा है 30 साल पुरानी कविता है, 30 साल 35 साल लगभग हो गया इसको लिखे। उन्होंने लिखा था कि साइकिल ना हवे राकेट हो, पीच रोड सोल चाहे खुड़रू पर दौड़े में पाव गाड़ी ताकत के छेट हो, ये साइकिल ना हवे राकेट हो, हैंडल पर हाथ ला पैडिल पर लागी, तनके दबौला पर लामे ल भागी, चले खातिर चानी हो, रूप खातिर रानी हो, नक्शा में अलग अलग भागे में पानी हो, साइकिल के साथ मोटरसाइकिल के नानी हो, चमचा के चोच का चुन के बनावल बस सगरो सामान सही सेट हो, साइकिल ना हवे राकेट हो। 30-35 वर्ष पुरानी कविता। एक बार आप ऐसा ही कुछ सुनाए थे कि आप कहीं जा रहे थे कार्यक्रम के लिए और फिर वो साइकिल का चैन कैसा क्या उतर गया था और फिर वापस घर पे भी आपको, हाँ सुनिए वो भी घटना, चूंकि हमारी सारी बातें जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उसको हम कविता का रूप देते हैं, प्रयास करते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि जो सुने लोग तो उनके होठों पर हंसी भी आए और साथ साथ अपना। हमने लिखा कि का करब हम कविता कह के, गैनी कवि सम्मेलन करे उ दिन कहाँ भुलाई, लोग सुन के हंसी उड़ावे हमरा छूटे रोवाई, घर ही जतरा खोल भोल दत खोड़ी लौकल आगे, देवता देवी सबके सुमरत लगनी सीधे भागे, बुढ़िया साइकिल दाबे लगनी ना घंटी ना ब्रेक, लैका एगो दौड़त आयल आगे एक बैग, धक्का ना लागल बाकी रू रोवे लगल हदासे ढह के, का करो हम कविता कह के, दौड़ के हंडिल धैल से एगो लम्हर तगड़ा मुल्ला, एको हाथ जमा दे तो मुँह बनित गुलगुल्ला,
सीधे मन से रुक गई लगनी ओके पुचकार है, तीन तीन चार चार गो मेहरारू लगनी से ललकार है, कोनो हमके गाड़े तो पे कोनो बोरसी भर है, सोचनी दादा हबका होई कांपे लगनी डर है, जौन कबो ना सुनले रहनी चुप हो गई तोनू सही के, जौन कबो ना सुनले रहनी चुप हो गई तोनू सही के, का करब हम कविता कह के कि कोनो तरह उदासे मन से चलनी धीरे धीरे, सजवे भइल अन्हार कूप जब कुहा लागल गिरे, दसो डेग आगे ना लौके जाड़ हिलावे हाड़, पगुरी करते आ गइल आगे मरखावा साँड़, बचत बचावत लड़ गई सीधे टंगरी के बीचे, ऊपर हमार सांस टंगाइल चल गई हम नीचे, कि चल गई हम नीचे, ऐसे बाकी बुद्धि सजी हेराइल बही के, का करो हम कविता बही कह के कि छेहनी केहुना फूट गल टूटहा चप्पल घिसियावत, अनी जब अनी जब से घरे नहीं छेहना केहुनी फूट गल टूटहा चप्पल घिसियावत, देखली जब मलकाइन घरे अनी खून चुआवत, अब जोर जोर से चिघरे लगली टोला सब जुटियाइल, हरदी चूना भांग छाप पीस के झापता भर छपाइल, मलकाइन समझावे लगली अब कतहु मत जाइब, मन करी तो हमरे आगे कविता रोज सुनाइब, कि छोड़ी सजी दुकान चलाई गाय खियाई घर ही रह के, का करो हम कविता कह के। तो चीजें जैसे कि ऐसा होता है, अगर आपसे मैं ये कहूँ, जैसे आपने कहा कि चूंकि मैं अभी होली पर आपकी एक सोशल मीडिया पर देखा था कि आप ढोला भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, क्या क्या मतलब कि चीजें अगर संगीत के माध्यम से देखा जाए तो क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको? हम कहीं शिक्षा नहीं लिए इसका, कुछ ही भी चीज का आप लोगों के सुने से मैं बांसुरी भी कुछ बजा लेता हूँ, हल्का फुल्का ढोलक बजा लेता हूँ, झाल बजा लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, ये तो प्रकृति की देन है, कैसे हमारी झोली में ये सब आया मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन चीज़ों में मुझे बचपन से शौक रहा है और गीत संगीत में हमें बड़ी रुचि रही है बचपन से ही, हालांकि हमारे पिताजी तो समझिए इसके बड़े सख्त 36 का आंकड़ा था उनको, लेकिन हमारे झोली में प्रकृति ने डाल दिया। और मैं जैसे पिताजी क्या किस तरह की चीज़ें जो पसंद नहीं थी उन्हें? इससे जो है गायन वादन से उनको बाल रखने चाहिए, अब तो पिताजी होते तो समझिए कि अब इतना रखना तो हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाता, कभी हम तो बचपन से ही बाल रखने के बड़े शौकीन आदमी थे, अब पिताजी जब थोड़ा सा भी अगर इधर हुआ तो वो कटोरी को जाकर हम जूते से काट देता खाता, तो उसी में लिखे थे मुक्तक जी कि लोहा में चूड़ी के घोत कटा जला, चुनाव में जनता का मत कटा जला, छुड़ा कोची से बार तक कटाते हुए कोई भी जूतों से खोत कटा जला। तो पिताजी जगह अगर आपको इस तरह से जो चीज़ें जो पसंद नहीं थी वो उस पर लेकर के आप कुछ देखिए मामला ये था कि हल्की हल्की से बात को लेकर के, चूंकि वो बड़े चिड़चिड़े प्रवृत्ति थे। अब देखिए एक घटना आपको बता दूँ, आज के लगभग मुझे लग रहा है 40 साल हो गए, पिताजी जब पहली बारिश होती थी तो वो चारों तरफ लगा के बांस उसका फट्टा उठा दरवाजा चारों तरफ से पैक कर देते थे, मेरे सामने बहुत बड़ा द्वार समझिए तो उसको चारों तरफ से पैक कर देते, पूछते भाई कहाँ है, अब तो लोग बैल वैल लेके जाएंगे घर से तो वो खुर जो है पड़ जाएगा उसमें धान उन घुस जाएगा, अब कोई आता था पूछता है भाई कहाँ गड़ाइल बा, हम कहाँ गड़ाइल का कहें, अब कितना लोग दफ्ती पर लिखे एक बार टंगली हम कि न्यू इनफील्ड फर्टिलाइजर कारपोरेशन पोस्ट नारी खेतान जिला बलुआ निचान थाना बसवार दरमियान प्लान खरीफ अभियान प्रोप्राइटर श्री कमलापत त्रिपाठी, हमारे पिताजी का नाम रहे। अब जी आवे पढ़े हाँसा तो ढेर ढेर पढ़े लोग है ये बो आई काली खाई बा, अरे हमारे घर एगो बाटा है ये लिख ले बा, टांगी उठा के पूरा काट कूट के सगरों गिरा दे, लोग 14-15 साल जेल में बाबूजी फिर नहीं लगे डाठ, ते तरह आप कुछ विनोदी बात कह कह के उनके बहुत ऐसा आदत रहे कम भी हो गए छूट भी गए। अंत में अगर आपसे हम अपने दर्शकों तक ये कहें कि चूंकि कविता चूंकि एक कलाकार या साहित्यकार के लिए सारी चीज़ें प्रिय होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि आपकी सबसे प्रिय कोई ऐसी हास्य कविता जो दर्शकों तक पहुँचाएँ। देखिए मैं अभी तो कतई नहीं इसको कह सकता हूँ कि कौन सी मेरी कविता प्रिय है कौन अप्रिय है, हजारों हमारी कविताएं हैं और मुझे ऐसा कुछ नहीं अब तक हम लगा कि जो हमको प्रिय नहीं है, सारी हमारी कविताएं मैंने कहा है क्योंकि हास्य से है तो प्रिय है ही है, लेकिन फिर भी कुछ जो आप प्रमुखता से सुनाना चाहें। हम कहते हैं कि शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकल कर आता है, स्वर सुर ताल लय छंद बंद गुंजाय मान हो जाता है, निज भाव समर्पित करता है जो वर्तमान में कवि कोई, मानव जीवन में सदियों तक इतिहास उसे दोहराता है। तो हम जो भी लिखते हैं हम इसको इतिहास मान के लिखते हैं कि आज हम लोगों में पसंद आए नहीं आए, लेकिन हमारे नहीं रहने पर ये सारी बातें लोगों को पसंद आएंगी जो मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान को लेकर के मैंने सारी बातें लिखी हैं। और यूँ तो हमारी कविताएँ कुकुर भोज ग्रीटिंग कार्ड बलिटर के पाड़ी पाणे के पीला ये सब बहुत सारी कविताएं हैं जो जन जन के जवान पर रहती हैं और बहुत लोकप्रियता इसको मिली। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मेरी यह शुभकामना है कि बादशाह प्रेमी जी को एक अनवरत एक लंबी आयु मिले जिससे हम सभी हंस करके अपने आप को भी दीर्घायु करें। आपकी ही कविता कह के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि खेत के हुआ उरी के बोआ तक केहू बोझा बीमारी के ढोआ तक केहू आ
रिंगटोन कैसे पहले बनी? रिंगटोन की खेत के होरी के बोआ तक केहू बोझा बीमारी के ढोआ तक केहू रिंग टोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजा तक केहू के ढोआ तक केहू मोबाइल। एक मुक्तक और हम कह दिए आपको, हम लोग बहुत प्रसिद्ध मुक्तक हम कहनी कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई आ जे कहू हंसते ना होके वो वहाँ अभगे हुई। तो ऐसी चीजें हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप सभी भाषा प्रेमी जी को YouTube चैनलों पे भी देख सकते हैं, Facebook पे भी देख सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, बहुत आप आगे जाएं, प्रगति करें। अपने सहयोगी भारती रवि जायसवाल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, KPP न्यूज, गोरखपुर। धन्यवाद।